लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान कांगड़ा पहुंचे। लोकसभा चुनावों के उपरांत पहली बार कांगड़ा पहुंचने पर भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गग्गल हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री पद की चाह पाले भाजपा विधायकों एवं धर्मशाला विधानसभा से उपचुनाव में टिकट के तलबगारों ने भी जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के वार्षिक समारोह कॉन्सेक्स 2019 के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी। सीएम ने कहा कि ये चुनाव पूरे देश के साथ साथ प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक रहे हैं और इन चुनावों में पार्टी ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी लोकसभा सीटों को 3 लाख से अधिक मतों से जीता है तथा सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने लीड प्राप्त की है और देश में हिमाचल से भाजपा को 70% वोट शेयर प्राप्त हुआ है। लोकसभा चुनावों के दौरान अधिक लीड दिलवाने वाले विधायकों को मंत्री पद में प्राथमिकता के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनावों में विधायकों में अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और आज दिन तक जिन क्षेत्रों में पार्टी को बढ़त नहीं मिलती थी उन क्षेत्रों में भी बढ़त प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इनाम का माध्यम केवल मंत्री पद नहीं है बल्कि विकास की दृष्टि से उनके क्षेत्र में क्या कुछ कर सकते हैं ये भी अहम है। सीएम ने कहा कि मंत्री पद का निर्णय समय आने पर लिया जाएगा। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को लेकर सीएम ने कहा कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 1 साल के भीतर इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। ज्वालामुखी में राइजिंग टैलेंट क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ ज्वालाजी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी पुरुषोत्तम दिमान द्वारा किया गया। ये एकेडमी ज्वालाजी क्षेत्र में लॉरेंट ग्लोबल स्कूल कठोग में स्थापित की गई है। इस एकेडमी के ट्रायल में लगभग 100 से अधिक लड़के व लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी पुरुषोत्तम दिमान ने एकेडमी को शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। राइजिंग टैलेंट क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच ऋषभ चौहान ने बताया कि इस एकेडमी के खुलने से स्थानीय बच्चों के खेल में निखार होगा और उनकी प्रतिभा को सुधारने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर कोई इच्छुक व्यक्ति या बच्चा इस एकेडमी में प्रवेश लेना चाहता है तो वे हेड कोच ऋषभ चौहान से संपर्क कर सकता है। आपको बता दें कि ऋषभ चौहान क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट कोच भी हैं। आज के आधुनिक दौर में इन्फॉर्मेशन का विशेष महत्व है और सरकार व विभाग का कार्य इन्फॉर्मेशन पे निर्भर रहता है। इन्फॉर्मेशन सही हो तो संबंधित विभाग व सरकार उस विभाग को उचित बजट मुहैया करवाती है जिससे क्षेत्र का विकास भी होता है। इन्फॉर्मेशन को लेकर डाइट मंडी में एक विशेष एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा उपनिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में मंडी जिला के 21 ब्लॉकों के BRC डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्पेशल एजुकेटर मौजूद रहे। कार्यशाला में प्रतिभागियों को इन्फॉर्मेशन को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। डाइट के प्रधानाचार्य बलबीर भारद्वाज ने बताया कि किसी भी विभाग की वार्षिक योजना ग्रास रूट से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर निर्भर करती है और यदि सूचना सही हो तो संबंधित विभाग व सरकार द्वारा इस विभाग को आसानी से बजट मुहैया करवाया जाता है जिससे संबंधित विभाग के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन सब पहलुओं के मद्देनजर कार्यशाला में आए प्रतिभागियों को जानकारी दी गई।
डाइट मंडी में डीएलएड का प्रशिक्षण कर रहे विद्यार्थियों के लिए इन दिनों छोटी काशी मंडी की स्थानीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला में इंटर्नशिप चल रही है। इस इंटर्नशिप में भाग ले रहे डाइट विद्यार्थी पाठशाला में सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी जहां पढ़ाने के गुर सीख रहे हैं, वहीं पाठशाला को सजाने व सुंदर रखने के बारे में भी सराहनीय योगदान दे रहे हैं, जिसकी स्थानीय पाठशाला में मौजूद मुख्य अध्यापिका व अन्य स्टाफ सदस्य जमकर सराहना भी कर रहे हैं। इंटर्नशिप में भाग ले रहे विद्यार्थियों का डाइट मंडी की ओर से मार्गदर्शन कर रही अध्यापिका मीनाक्षी कपूर ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों से बच्चों के लिए निजी स्कूलों की तर्ज पर समय निकालने और उनकी गतिविधियों को नियमित चेक करने की अपील भी की। वहीं केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला की केंद्रीय मुख्य अध्यापिका धर्मी चौहान ने इंटर्नशिप कर रहे डाइट मंडी के विद्यार्थियों की जमकर सराहना की और कहा कि डाइट मंडी की ओर से इस प्रशिक्षण में भरपूर सहयोग भी दिया जा रहा है। पाठशाला में तो उनको एक सुंदर सा जगह, अट्रैक्टिव जगह चाहिए थी, तो उस जगह को बनाने के लिए हमारे जो प्रशिक्षु छात्र हैं उन्होंने जो मदद की है, और मैडम मीनाक्षी कपूर ने जो कि इस ग्रुप के मेंटर हैं, इन्होंने जो मदद की है, मैं तहे दिल से इनको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के अगर शिक्षक हमारे इस समाज में होंगे, शिक्षा जगत में होंगे, तो हम गुणवत्ता लाने में जो है वो हम सक्षम होंगे।